आज हम सुपरस्टार लॉर्ड बॉबी देओल की आने वाली 10 फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो कि 2024 और 2025 में आने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पर जो मूवी आ रही है उसका नाम है हरिहारा वीरामल्लू। यह 17वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य पर आधारित एक ऐतिहासिक काल्पनिक फिल्म है जो 14वीं शताब्दी के सम्राट हरिहर से प्रेरित है, जिसमें लीड रोल में पवन कल्याण और बॉबी देओल इस फिल्म में मुगल सम्राट औरंगजेब का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के टीजर में उनके किरदार की हल्की सी झलक देखने को मिली है जो बहुत खूंखार लग रहे हैं। यह मूवी एक हिस्ट्री ड्रामा मूवी होने वाली है दोस्त। नंबर दो की जो मूवी आ रही है उसका नाम है अल्फा, जो कि यशराज प्रोडक्शन में बन रही है। इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ आलिया भट्ट और सरवरी बाग नजर आने वाली है। इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा और यह एक थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसमें लॉर्ड बॉबी विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं। नंबर तीन पे जो मूवी आ रही है उसका नाम है कंगुआ। एक्टर सूर्या और बॉबी देओल की मच अवेटेड फैंटेसी फिल्म कंगुआ 10 अक्टूबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। यूवी क्रिएशन और ग्रीन स्टूडियो के सपोर्ट से बनी फिल्म कंगुआ को शक्तिशाली वीर गाथा के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें बॉबी देओल हमें सूर्या के ऑपोजिट देखने को मिलते हैं और विलन के किरदार में भयंकर डरावने लुक में दिख रहे हैं। यह एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है दोस्तों। नंबर चार पे जो मूवी आ रही है उसका नाम है स्टारडम। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक वेब सीरीज बना रहे हैं जिसमें हमें लॉर्ड बॉबी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनका रोल काफी फैंसी होने वाला है। बॉबी देओल एक सक्सेसफुल सुपरस्टार का रोल प्ले करेंगे जिसमें वो एक सुपर फैंसी किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे। सीरीज में उनका किरदार लार्जर देन लाइफ होने वाला है। हमने पहले कभी बॉबी को इस किरदार में नहीं देखा है, वहीं इस सीरीज में बहुत सारा ड्रामा होने वाला है दोस्तों। नंबर पांच पे जो मूवी आ रही है उसका नाम है NBNBK 109, जिसमें बॉबी देओल, नंदमूरी बालकृष्ण, दुलकर सलमान हमें मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म में उर्वशी रोटेला और बॉबी देओल दोनों अहम भूमिका में हैं, जिसमें बॉबी देओल विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। 27 जनवरी को बॉबी देओल के जन्मदिन के अवसर पर फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर घोषणा की वे बॉबी देओल के साथ काम करते हुए नजर आने वाले हैं। नंबर छह पे जो बॉबी की फिल्म आ रही है उसका नाम है हाउसफुल 5। हाउसफुल 5 की तैयारियां शुरू हो गई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, बॉबी देओल, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख नजर आएंगे। यह फिल्म पिछली हाउसफुल फिल्मों की तरह जबरदस्त कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है दोस्तों। नंबर सात पे जो मूवी आने वाली है उसका नाम है श्लोक द देसी शेरलॉक। बॉबी देओल, कुरनाल कोहली द्वारा निर्देशित फिल्म श्लोक द देसी शेरलॉक में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है। वहीं इस फिल्म में अनन्या बिरला भी बॉबी देओल के साथ नजर आने वाली है। वह बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। कुछ दिन पहले ही बॉबी देओल ने शूटिंग शुरू होने की जानकारी दी थी। श्लोक द देसी शेरलॉक एक जासूस थ्रिलर मूवी है जिसमें बॉबी दर्शक को आश्चर्यचकित कर देंगे, क्योंकि यह पहली बार है जब हम उन्हें इस अवतार में पर्दे पर देखेंगे। नंबर आठ पे जो मूवी आ रही है उसका नाम है अपने 2। पिछले कुछ दिनों से अपने 2 को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें बाप बेटों की जोड़ी के साथ धर्मेंद्र के पोते करण देओल भी नजर आने वाले हैं। फैंस इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब बॉबी देओल ने अपने 2 को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें अपने 2 की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, इसकी शूटिंग जल्द शुरू करने जा रहे हैं और यह फिल्म 2025 तक आएगी। नंबर 9 पे जो मूवी आने वाली है उसका नाम है एनिमल पार्क। एक इवेंट में बॉबी देओल से जब एनिमल पार्क और उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल पार्क रिलीज होने में अभी टाइम है। इस बात से सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि बॉबी इस फिल्म में एक बार फिर नजर आने वाले हैं। और नंबर 10 की जो मूवी आने वाली है उसका नाम है देवरा 2। अब बॉबी देओल के हाथ साउथ की एक और फिल्म लग गई है जिसमें वह सैफ अली खान के साथ विलन का रोल करते दिखेंगे। सूत्रों के अनुसार बॉबी देओल इस फिल्म में एक विलन की भूमिका में नजर आने वाले हैं। देवरा पार्ट 1 में सैफ अली खान मुख्य भूमिका में होंगे, जबकि देवरा पार्ट 1 के लास्ट में बॉबी देओल की एंट्री होगी और देवरा पार्ट 2 में सैफ अली खान और बॉबी देओल दोनों विलन की भूमिका में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी बॉबी देओल की अपकमिंग 10 फिल्में। ऐसे और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।